गौमूत्र का इस्तेमाल कई तरह की दवाओं को बनाने में किया जाता है और हिंदू धर्म में तो इसे बहुत पवित्र माना जाता है। एक समय पर इसका इस्तेमाल इंडियन येलो कलर बनाने में भी होता था और उस समय इंडियन येलो कलर यूरोप के पेंटर्स के बीच काफी लोकप्रिय था। विंसेंट वान गॉग की द स्टोरी नाइट पेंटिंग में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। 1883 में लंदन की सोसाइटी ऑफ आर्ट्स में छपी त्रिलोकीनाथ मुखोपाध्याय की रिपोर्ट में इस रंग के बारे में बताया गया है। इनके रिपोर्ट के मुताबिक मुंगेर के ग्वाले पीला रंग बनाने के लिए गायों को केवल आम के पत्ते और पानी देते थे, जिस कारण गाय के शरीर में बाइल पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती थी और गौमूत्र का रंग हल्का चमकीला पीला हो जाता था। गायों के मूत्र को प्रोसेस करके उसे छोटी छोटी गेंद बनाकर प्यूरी के नाम से बाजार में बेचा जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक 1908 में इस रंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि इसे बनाने के लिए गायों पर अत्याचार हो रहा था, लेकिन आज भी गायों पर अत्याचार हो रहा है, भले ही रंग के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए।